हाई एवरी वन वंस अगेंड वेलकम बैक टू इन्फ्लिक्चर्स आज हम बात करने वाले हैं सी यू टी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको अभी ही रेडी कर लेना है क्योंकि बाद में आपको ना ही टाइम मिलने वाला है और ना ही आप उस चीज़ों के बारे में सोच पाओगे क्योंकि तब आपके पास काउंसलिंग के रिलेटेड कई सारे काम होंगे जैसे कॉलेज सेलेक्ट करना कॉलेज के बारे में रिसर्च करना कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज सुटेबल है ताकि आप अगर प्रेफ्रेंस ऑर्डर में डालते हो तो वो कॉलेज आपको मिल जाए सो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आ जाता है वो है टेंथ एंड ट्वेल्थ के मार्कशीट जो कि आपके स्कूल से ही मिल जाएगा इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है uh, के के यहां पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है तो ये तो डॉक्यूमेंट सभी को मिल जाएगा लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ जाके लेना होगा सो टेंथ एंड ट्वेल्थ के मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा हो लेकिन सी बोर्ड के लिए आज सच रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर आपके पास मार्कशीट भी है तो चल जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और सभी के पास आधार कार्ड होता है अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी, पैन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस ये सारे भी हैं तो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे सकते हैं एंड देन आपके पास एट टू टेन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए अभी uh, कोई क्लैरिटी

की फीस होती है तो अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर इनकम सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं दूसरी चीज जब आप आ कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करोगे कहीं ना कहीं तो वहां पे भी इनकम सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल से बिलोंग कर तब तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाना है बट अगर आप किसी भी रिजर्वेशन में आ रहे आप एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा तो कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये तीनों मैंडेटरी है एक ही जगह बनता है तो आप एक ही बार बना लो बाद में आपको इस चीज के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा देन आपका पास प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा जब आप काउंसलिंग कराओगे फेस थर्ड में तो ये आपको मिलेगा और इसके साथ आपके पास सीओ का एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड ये सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप काउंसलिंग uh, के लिए जाओगे तो uh, जब आपका सीट आपको मिल जाएगा तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है कॉलेज में जाके तो उस टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है जो कॉलेज डिमांड कर रही है तो उस केस में आपका सीट कैंसिल भी हो सकता है एंड कैंसिल के केस में आप अगेन uh, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते या फिर काउंसलिंग uh, में पार्टिसिपेट नहीं कर